डॉक्टर मीर जवाद जार खान चेयरमैन जर्मेंटन हॉस्पिटल को 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मेंटन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मेंटन हॉस्पिटल अतापुर हैदराबाद। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की 132वीं जन्मदिन के मौके पर बजरंग सेना भाग्यानगर तेलंगाना एट इंटरनेशनल वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन काउंसिल की जानिब से वाइस प्रेसिडेंट लक्ष्मण राव की निगरानी में गौलीगुड़ा राम मंदिर के पास आवाम को खाना खिलाया गया। तो आई खबर हम आपको दिखा दें। हाँ करिए। अच्छा भाई आप पूरे ऐसे आते भाई जरा मलेशिया ना ऐसे ही को भी बुला रहे खाना खा के जब पटना डूंगरपुर। हेलो बोलिए। 2023 आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ पर जमा हुए हैं। बजरंग सेना के नेतृत्व में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नेतृत्व में, हमारे लक्ष्मण राव जी, हमारे सभी बजरंग सेना टीम, रजनी मैडम और सभी यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म जयंती की बधाई देना चाहता हूँ। उसी तरह हम बजरंग सेना की तरफ से हम एक सबको मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे कि हम सब जानते हैं आज के दिन 125 फुट की प्रतिमा आज सेक्रेटरिएट के ऊपर स्थापित की गई है। उसी प्रकार बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार, बाबा साहेब का अम्बेडकर का विचार ये थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता, आज हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में उनका ही बड़ा योगदान है और उन्हीं के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। और बाबा साहेब अम्बेडकर नारी के प्रोटेक्शन में, चाइल्ड प्रोटेक्शन में और जातिवाद से उठ कर के उनका नारा था कि जातिवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और हिंदुस्तान के सभी जनता को वो एक मैसेज देना चाहते थे कि उनकी सोच को कोई नहीं मार सकते थे, उन्हें मार सकते हैं लेकिन उनकी सोच को कोई नहीं मार सकते थे। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में वो जानते थे कि भ्रष्ट नेताएं आकर हमारे पर राज करेंगे और भ्रष्ट नेताओं की कमर तोड़ने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार बनाए और उन्होंने कहा कि सभी को अधिकार है प्रश्न पूछने का, राइट टू क्वेश्चन, या ह्यूमन राइट्स में अपने जो भी है और इतने भी राइट्स है कानून में, संविधान में लिखे हैं उन्होंने। तो मैं सभी से कहता हूँ कि करप्शन के खिलाफ में आवाज़ उठाए और अपने ह्यूमन जो भी राइट्स है उनका अधिकार मालूम करें और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पढ़े। जय बाबा साहेब अम्बेडकर, जय भीम, जय राष्ट्र। आज हमारे बजरंग सेना और नेशनल ह्यूमन राइट की ओर से बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के दौरान हम लोग आज अन्न प्रसाद कर रहे हैं। अब सभी लोग हिंदुत्व के लिए काम करना, हिंदुत्व के लिए आगे बढ़ना। जय श्री राम। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत।
शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम आरएस यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, ऑपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।